दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर देखने को मिलने वाला है इमली के साथ में कुछ लड़के बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं और इमली उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक लड़का उसका दुपट्टा उड़ाकर फेंक देता है और आर्यन आता है उसके लिए पानी की बोतल लेकर और वो उस दुपट्टे को इमली को उड़ाता है और सामने गणेश जी का ही मंदिर होता है जिसमें इशारा मिल चुका है कि इमली और आर्यन की ही जोड़ी बनने वाली है। और उसके बाद ने आर्यन को वो तीनों लड़के कहते तुम हमें जानते नहीं हो और वो उसे चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन तीनों की तस्वीरें लेकर गूगल पर सर्च कर डालता है और उनकी सारी हिस्ट्री आ जाती है और वो कितने निकम है ये भी पता चल जाता है और वो आर्यन की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आर्यन के उनको उनकी शक्ल देखकर याद आता है कि उसने क्लब में उस बुरी तरह से उस मिक्का को मारा था। वो भाग जाते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अब वापस से देव की एंट्री हो चुकी है जो मालिनी और अनु की बातें सुनता है और कहता है कि इमली कहीं मुसीबत में तो नहीं है ना, और वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और देव उसे कहता है कि तुम आप सुधर जाओ, लेकिन मालिनी सुधरने की जगह कहती है कि आज तो मैं आइसक्रीम खाते हुए ही जाऊंगी, देख तो लूं इमली और आर्यन का तमाशा। और वो उनके ऑफिस से बाहर से ही निकल रही होती है और देखने को मिलता है कि आर्यन उसे इमली को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और इमली साफ मना कर देती है और कहती है कि हमें कमजोर समझे, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो आर्यन भी उसे कहता है कि जब तक तुम मेरे घर में रहोगी तब तक तुम रेंट भर देना, और वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। और इस दूसरी तरफ मालिनी एक पप्पी के साथ में जानबूझकर सेल्फी लेती है ताकि पीछे से इमली और आर्यन की भी फोटोज आ जाए साथ में। और देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ आर्यन के घर में पार्टी हो रही होती है, वहां पर काफी लड़कियां होती है जो सब लोग वाइन से पी रही होती है, जिसे देखकर आर्यन की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि अब उसे अर्पिता समझाते नजर आती है कि आप अपने लिए बहू ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तो ये तो हम आर्यन को ही देख करना पड़ेगा कि वो हमारे घर में किसको लेकर आता है। होती है आर्यन की और इमली की दोनों की साथ में एंट्री। तो वहीं देखने को मिलता है कि त्रिपाठी सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो वहां पर मालिनी जाकर तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये देखो मैंने ये पपी कितना प्यारा है ना, और आदित्य भी उस फोटो को देखता है और पीछे देखता है, वो जानबूझकर मालिनी से दिखाती है कि आर्यन और इमली दोनों ही साथ में थे। और ये देखकर आदित्य वहां से नाराज होकर चला जाता है कि अगर उसने हॉस्टल छोड़ा और हॉस्टल कॉल करके पूछता है कि दो दिन से वो तो यहाँ है ही नहीं, वो आएगी भी क्यों, उससे तो दो दिन हो गए हॉस्टल छोड़े। और आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से खाना छोड़कर चला जाता है और सभी घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर बात क्या है, इमली यहाँ क्यों नहीं लौट कर आई, और वो बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। और वो देखने को मिलता है कि मालिनी बहुत कुछ कह जाती है इमली और आर्यन के रिश्ते के बारे में। तो दूसरी तरफ आर्यन और इमली पहुँचते हैं अपने घर, जहाँ पर इमली के कदमों के निशान बन जाते हैं आर्यन के घर में और एक तरह से गृह प्रवेश दोनों का साथ में होता है। तो वहीं देखने को मिलेगा कि आर्यन इमली को कहता है कि वो सब लोग बेवकूफ़ हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जैसी हो वैसी रहो, और इमली को चॉपस्टिक से खाना खाने के लिए कहता है। और इसी तरह से आर्यन उसको पूरी तरह से बदल के रख देगा और इमली भी अपने आप को आर्यन के लिए बदल देगी, यानी कि नया लुक इमली का जल्दी हमें देखने को मिलेगा।